मैं आपके साथ अनुज कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फर्स्ट। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों पर। बुधवार की शाम दो पक्षों में कबूतरों को लेकर खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोग बुरी तरह घायल हो गए तथा घायल लोगों को CHC लखावटी में भर्ती कराया गया, जिसमें एक व्यक्ति की हालत बहुत नाजुक बताई गई। CHC लखावटी के चिकित्सकों ने उपचार के उपरांत घायल लोगों की हालत ज्यादा गंभीर देखते हुए सिकंदराबाद रेफर कर दिया। वहीं दूसरे पक्ष में भी एक व्यक्ति की झगड़े के दौरान हाथ टूटना बताया गया है कि मोहल्ला शहीद गली के वसीम पुत्र जहीर का और सद्दाम पुत्र दिलसाद की कबूतरबाजी को लेकर झगड़ा हुआ, जिसमें अंसार पुत्र शाबिर के अलावा 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं थाना प्रभारी ध्रुव भूषण दुबे ने बताया कि दोनों पक्षों में कबूतरों को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें घायल हुए लोगों को उपचार के लिए सिकंदराबाद भेजा गया है तथा आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। अब देखना यह है कि आरोपियों के खिलाफ पुलिस क्या कार्रवाई करती है। बुलंदशहर से संवाददाता संजय सैनी की रिपोर्ट। लाठी डंडों से आके लेडीजों पर भी हमला किया गया? हाँ जी, सबसे ये लेडीज। कितने लोग जख्मी हुए हैं आपके पक्ष की तरफ से? आपकी तरफ से कितने लोग जख्मी हैं? 4-5 आदमी तो गेट बंद कर रखा है, सब बंद कर दिया। जब मुझ पर डंडा बजा बैठे तो ये आपका हाथ टूट गया है? हाँ जी। और जब ये लेके जाए कमरे मोहल्ला सैयदगढ़ी पर कुछ लोगों का वो आपसी संघर्ष, जिसमें काफ़ी लोग जख्मी हैं, बुरी तरह जख्मी घायल हैं, क्या मामला हुआ था आपके साथ बताया जरा? हम रास्ते में निकले हुए जा रहे थे, उसके परिवार के 7-8 जने हैं। उसके परिवार के क्या नाम? अल्ताफ, दिलशाद जी, शाकिर, नासिर, सद्दाम और जी मोहम्मद। क्या मामला हुआ था? कुछ ना जी, बस हमारे दामाद से लिपट गए थे वो। पहले हम जा रहे, हमारे बहनों की गाड़ी पकड़वा दी उन लोगों ने, हम गाड़ी देखने को जा रहे, मैं और मेरा भांजा, हमारे ऊपर पथराव कर दिया उन लोगों ने और आगे लिपट गए, कपड़े वपड़े सब फाड़ दिए। कितने लोग जख्मी हुए हैं आपकी तरफ? 4-5-6 जने जी। एक मेरा छोटा भाई, उसकी हालत ज़्यादा गंभीर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल गफ्फार है। जिसकी ज़्यादा तबीयत खराब है, जो जख्मी हालत है, उसको रेफर किया जा रहा है।